2020 तक जिला लुधियाना की जिहड़ी कोविड की सिचुएशन हैगी वो इदा हैगी कि इन टोटल असी 507 सैंपल जिहड़े हैंगे वो हाले तक असी कलैक्ट किए ने, जिहदे विचों 467 सैंपलों की रिपोर्ट साढ़े कोल आ चुकी है। इहदे विचों 12 सैंपल जिहड़े हैंगे वो पॉजिटिव पाए गए ने। ये 12 सैंपलों विचों एक सैंपल जिहड़ा हैगा वो पेशेंट जिला जरना बरनाला नाल संबंधित हैगा और एक पेशेंट जिहड़ा हैगा वो जिला जलंधर नाल संबंधित है। 10 केस जिहड़े हैंगे वो जिला लुधियाना नाल संबंधित ने। बाकी 442 केस जिहड़े हैंगे वो नैगेटिव पाए गए ने और कुछ केसेस जिहड़े हैंगे और कदे कदे कुछ सैंपलिंग दे विच कुछ प्रॉब्लम होंदी है तो उहदे करके रिजेक्ट होंदे ने, जिन्हां नूं असीं रीसैंपलिंग वास्ते भेज दिंदे ने। कल तो लेके जे अज तक का सवाल देखिए आपां तां 3 केसेस जिहड़े हैंगे वो पॉजिटिव पाए गए ने। एक केस जिहड़ा हैगा वो जलंधर दा हैगा और एक केस जिहड़ा हैगा वो जिहड़ी एक डिसीज सीगी पहलां उहदा बच्चा जिहड़ा हैगा अज वो पॉजिटिव पाया गया है। उहदा पहला जद सैंपल लिया सीगा जदों उहदी मदर दी डैथ हुई सीगी उदों उहदा सैंपल जिहड़ा सीगा वो नैगेटिव आया सीगा, लेकिन असीं उसनूं आइसोलेशन दे विच ही रखिया सीगा क्योंकि वो बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट होण करके हाई रिस्क वाला बच्चा सी, तां इस करके उसका सैंपल जब असीं दोबारा लिया हैगा तो वो पॉजिटिव आया है। और तीजा केस जिहड़ा हैगा वो जिला बरनाला नाल संबंधित सीगा जिसकी डैथ एक लेडी सीगी जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल च भर्ती सीगी जिसकी कल डैथ हो गई सीगी और उसका असीं सैंपल उस तो पहला ले लिया सीगा और उसकी सैंपलिंग की रिपोर्ट जिहड़ी हैगी वो अज आई है जो कि पॉजिटिव आई है। तो हुण साडे जिला लुधियाना दे विच इन टोटल 12 केसेज जिहड़े हैगे वो पॉजिटिव हो चुके ने। 2 केसेज जिहड़े हैगे बाहरले डिस्ट्रिक्टां दे हैगे और 3 डैथ जिहड़ियां हैगियां वो हाले तक रिपोर्ट हुईआं ने। इस तो अलावा सर एक जरा देखो, इसमें जिवें असीं बार बार दसदे हैं कि जब भी कोई भी केस पॉजिटिव आ जाता है तो एक सैट प्रोटोकॉल उसका हैगा कि असीं उस बंदे दे कॉन्टैक्ट दे विच आए हुए बंदियां दी ट्रेसिंग जिहड़ी हैगी वो चालू कर दिंदे ने। ये ट्रेसिंग जिहड़ी हैगी वो 2 तरीके नाल हुंदी है। एक हुंदी है जिहड़े बंदे हाई रिस्क वाले कुछ बंदे हुंदे हैं और कुछ हुंदे जिन्हां नूं असीं लो रिस्क कहिंदे हैं। हाई रिस्क उहनां बंदियां नूं कहिंदे जिहड़े कि बंदे पॉजिटिव बंदे ते बहुत ज़्यादा क्लोज या कॉन्टैक्ट दे विच आए होण। लो रिस्क इहो जिहे एरिया इहो जिहे बंदे हुंदे हैं जिहड़े कि बंदे दूरों कदे कॉन्टैक्ट या कदे एक साथ किसी गड्डी दे विच या ट्रेन दे विच सफ़र कीता होवे तां उस बोगी दे सारे बंदियां नूं असीं लो रिस्क वाले बंदे डिक्लेयर करदे हैं। ते जिहड़े हाई रिस्क वाले बंदे हुंदे हैं उहनां नूं असीं सभ तों पहलां उहनां दे सिम्पटम्स वगैरह चैक करन तों बाद जे कोई बंदा सिम्पटोमेटिक हुंदा है तां असीं उसदा तुरंत सैंपलिंग जिहड़ी हैगी वो करा लैंदे हैं। जिहड़ा लो रिस्क वाला बंदा हुंदा है उसनूं असीं होम क्वारंटाइन करके छड रखदे हैं और होम क्वारंटाइन करन तों बाद जे किसी दे कोल सिम्पटम्स किसी दे आउंदे हैं तां असीं उसदी सैंपलिंग कराउंदे हैं। तां इह जिहड़ी जिहड़ा केस तुसीं दस रहे हो जिहड़ा इक चोर सीगा उसनूं जद जेल लै जाया जा रिहा सीगा तां उसदी जेल दे विच डॉक्टर ने रिकमेंड कीता सीगा कि तां कोविड टैसट करा लिया जावे। जद कोविड टैसट उस बंदे दा कराया तां उह पॉजिटिव आया हैगा। तां जिहड़े वी अपनी फोर्स दे मुलाजम सीगे जिन्हां ने उसनूं डायरैक्ट टच कीता सीगा डायरैक्ट कॉन्टैक्ट दे विच आए सीगे तां उहनां नूं असीं सारिआं नूं क्वारंटाइन कर लिया हैगा इस वेले। और जिवें कॉन्टैक्ट दे 5 दिन दे बाद असीं उहनां दा सैंपलिंग करानी हुंदी उह सैंपलिंग असीं उहनां दी करवावांगे। देखिए ये बहुत ही क्लियर है कि जितना हम लोग बाहर निकलेंगे उतना ही हमारे लिए रिस्की होगा। तो जैसे हम पहले दिन से कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्लियर कट गाइडलाइंस लोगों को दी हुई हैं कि काइंडली घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर निकलेंगे आपको नहीं पता कि जिस बंदे से आप मिल रहे हैं वो बंदा हो सकता है कि कैरियर हो सकता है वो देखने से बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव बंदे योजे होंगे ने जिहड़े कि जिन्हां दे सिम्पटम जिहड़े हैं वो विजिबल नहीं होंगे बट दे आर पॉसिबल कैरियर एंड दे कैन इनफेक्ट यू। तो इस करके जब भी बाहर निकलते भी हैं जो अर्जेंसी या पास दे नाल भी निकलते हैं तो अपना चेहरा जिहड़ा हैगा उहनूं ढक के रखिए और नाक आपकी नाक और मुंह जो है वो बिल्कुल बंद हों। साथ में आप लगातार अपने हाथ धोते रहें, घर वापस जाते हैं तो अपने हाथ धोएं, वहाँ अपने हाथ से मुंह को ना लगाएं। तो ये जिहड़ी हेल्थ एडवाइजरी जारी कीती सीगी आपां पहलां उहनूं चंगी तरह फॉलो करें। एक कल साढ़े ध्यान से एक गल आई सी कि एक पेशेंट जिहड़ा हैगा पेशेंट लेडी सीगी इनफैक्ट शी इज़ एडमिटेड इन वन प्राइवेट हॉस्पिटल। जब उसका पता किया तो पता चलिया कि वो पहला सिविल हॉस्पिटल गई सी, उतों उसनों CMC दे विच रैफर किया सीगा और CMC ने बिना किसी प्रोटोकॉल नू फॉलो करते हुए जिवें सानू हाले तक पता चलिया हैगा कि उसनों अगे रैफर करता बट जिहड़ा प्रोसीजर हुंदा है उसनों फॉलो करते हुए नहीं किया सीगा, इस करके उसने अगे किते भी किसी भी हॉस्पिटल ने नहीं लिया। बाद चो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जाके वो लेडी जी वो एडमिट हो गई थी। वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड एन इनक्वायरी, सिविल सर्जन वालों एक कमेटी जी वो कॉन्स्टिट्यूट करती है और वो कमेटी जी है असं उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिता है कि प्रॉपर इस चीज़ को चंगी तरह इनक्वायर करके सानू दसे कि इस दे विच किस दी गलती है कि जिस तो कि असं उन्होंने बंदे के खिलाफ या उस हॉस्पिटल के खिलाफ कर रहे हैं। सर जिस हिसाब नाल केस बढ़ रहे हो देखिए
सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो आपको अपने आप ही क्वारंटाइन, अपने आप को ही होम क्वारंटाइन और अपने आप ही लॉकडाउन जो है उसको फॉलो करने की वो है। बाकी जो भी गवर्नमेंट इस बाबत डिसीजन लेती है असं उसमें फॉलो कराएंगे। थैंक यू।